उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों से छात्रों की एक बड़ी संख्या 12वीं के बाद दिल्ली की ओर रुख करती है। अच्छी पढ़ाई और मेट्रो शहर में रहकर अपने भविष्य को बेहतर बनाने का सपना हर कोई देखता है। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और सांसद पप्पू यादव का आरोप है कि दिल्ली के सीएम बीजेपी के सांसद विजय गोयल के साथ मिलकर केजरीवाल स्थानीयता के नाम पर दिल्ली से बाहर के छात्रों की सीटें कम कर देना चाहते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अभी हाल ही में भाजपा सांसद विजय गोयल दिल्ली के छात्रों की समस्या को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। उन्होंने दिल्ली के छात्रों के लिए छूट की मांग करते हुए उन्हें प्राथमिकता देने का आग्रह किया। यह पहली बार नहीं है जब विजय गोयल दिल्ली के छात्रों को लेकर अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं। गोयल इससे पहले भी यह मांग रख चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के 61 कॉलेजों में से 28 कॉलेज दिल्ली सरकार के हैं। उनमें 85% सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। कट ऑफ में 5% की छूट की मांग की गई है, पर सांसद पप्पू यादव ने विजय गोयल को चुनौती दी है कि अगर वह ऐसा करते हैं तो विजय गोयल के मुख पर कालिख पोत दी जाएगी। विजय गोयल के घर पर होगा हमला पूरा। विजय गोयल ने जिस तरह कहा कि 85% स्टूडेंट को बाहर का यहाँ पर रोकने के लिए, विजय गोयल को जन अधिकार पार्टी घर से निकलने नहीं देगी। सदन जाएगा तो उसके मुंह पर कालिक पोरा चिना जाएगा, उस पर कोई समझौता नहीं है। 85% सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षित होने वाले मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव का मानना है कि दिल्ली देश की राजधानी है, अरविंद केजरीवाल की जागीर नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक छात्र पढ़ने के लिए दाखिला लेते हैं, लेकिन ये केजरीवाल बीजेपी सांसद विजय गोयल के साथ मिलकर स्थानीयता के नाम पर दिल्ली से बाहर के छात्रों की सीटें कम कर देना चाहते हैं, जिससे नुकसान बिहार यूपी के छात्रों को सबसे अधिक होगा, जिसका विरोध पप्पू यादव ने शुरू कर दिया है। आर पार की लड़ाई है, कोई समझौता नहीं होगा। विजय गोयल जिस तरीके से 85% बाहर के छात्रों को रोकने का मांग उठाया है, विजय गोयल आह्वान है। हम छात्र युवा मोर्चा से आग्रह करते हैं, जहां विजय गोयल दोके उसके मुंह पर कालिक पोना पोत के उसके घर में उसको ढुका। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने जिस तरह दिल्ली के सीएम केजरीवाल को पहले वादा खिलाफी के मुद्दे पर घेरा और अब 85% आरक्षित सीटों के मुद्दे पर विजय गोयल के ऊपर हल्ला बोला है, उससे तो एक बात साफ हो गई है कि पप्पू यादव की राजनीति अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ ऋतु तोमर, शंखनाद न्यूज़, दिल्ली।